तो आपने देखा कि हालांकि दोनों ही व्यापारिक फर्मों के लेखों के अंतर्गत आते हैं, दोनों में ही लेखे किए जाते हैं, लेकिन फिर भी इनके आशय को अगर हम ध्यान से देखेंगे, इनके प्रकृति का हम विश्लेषण करेंगे, इनकी विशेषताओं को हम देखेंगे, तो उनमें व्यापक अंतर हमको दिखाई देता है। अब अगर हम बात करें लेखांकन के उद्देश्यों की, तो इन उद्देश्यों को हम अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांट सकते हैं, मुख्य उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य। सबसे पहले अगर हम मुख्य उद्देश्यों की बात करें, तो यहाँ हम देखते हैं कि पहला इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है व्यावसायिक व्यवहारों का स्थायी लेखा करना। लेखांकन के अंतर्गत हम जिन बहियों का निर्माण करते हैं उनमें जो लेखे किए जाते हैं वो सारे व्यावसायिक लेखे, मौद्रिक मुद्रा से संबंधित लेखे होते हैं, और स्थायी रूप से उनका लेखांकन कर दिया जाता है, स्थायी लेखों में उनको हम अंकित कर लेते हैं। भविष्य में कभी भी किसी भी दृष्टि से ज़रूरत पड़ने पर हम वापस उन लेखों को देखकर जो भी जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि व्यापारिक परिणामों को प्राप्त करना। जब हम प्रारंभिक लेखे करते हैं, यानी कि पुस्तपालन के अंतर्गत हम केवल प्रविष्टि करते हैं, तो वहाँ पर हम अपने व्यवहारों को याद रखने के लिए केवल उनका लेखा करते हैं। वहाँ हम किसी भी तरह से कोई कैलकुलेशन, प्लस माइनस, लाभ हानि, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति, इस तरह की, या फिर संपत्ति या दायित्व का ज्ञान, इस तरह की कोई कैलकुलेशन वहाँ पे नहीं करते, किसी भी प्रकार के परिणाम तक हम नहीं पहुँच पाते। लेकिन जब हम लेखांकन की बात करते हैं, तो यहाँ पर इनके अंतर्गत हम जिन लेखों का, जिन अकाउंट्स का हम निर्माण करते हैं, उनके आधार पर हम व्यापार की आर्थिक स्थिति, व्यवसाय में संपत्ति और दायित्व की स्थिति, लाभ और हानि की स्थिति, आय और व्यय की स्थिति, सभी परिणामों को प्राप्त कर लेते हैं। वैसे इसका एक उद्देश्य ये भी कहा जा सकता है कि ये व्यापार के आर्थिक स्थिति की जानकारी देता है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया, क्योंकि हम अंतिम खातों के आधार पर व्यवसाय की संपत्ति, दायित्व, आय व्यय, लेन देनों का स्पष्ट ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं, तो यही वो तथ्य होते हैं जिनके आधार पर किसी भी व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब अगर हम इसके अगले मुख्य उद्देश्य की बात करें, तो हम देखते हैं कि इसके आधार पर कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी की जा सकती है। भविष्य में अगर कोई न्यायालयीन प्रक्रिया चल जाती है किसी भी व्यापार पर और हमें लेखे दिखाने पड़ते हैं न्यायालय को, तो यही हमारे रिकॉर्ड होते हैं, यही लेखे होते हैं जिनके आधार पर हम अपनी स्थिति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। वैसे इसके अन्य मुख्य उद्देश्य की हम बात करें, तो इनके आधार पर हम भावी योजनाओं का निर्माण करते हैं। कोई भी व्यवसाय या व्यापार बिना नियोजन या बिना योजना के नहीं चल सकता है। आपने अपने व्यावसायिक अध्ययन में भी जाना होगा कि किसी भी व्यवसाय या व्यापार के लिए नियोजन कितना महत्वपूर्ण होता है। जब हम लेखांकन करते हैं और उनके आधार पर लाभ हानि, आय व्यय, संपत्ति, दायित्वों का विस्तृत ब्यौरा प्राप्त कर लेते हैं, उसके आधार पर हम भविष्य में हमको अपने व्यवसाय को विस्तृत करना है, विस्तार करना है या समेटना है, हमको लाभ होगा भविष्य में या हानि होगी, क्या नया करना है, इसकी योजना हम बना सकते हैं। अब इन मुख्य उद्देश्यों के बाद अगर हम बात करें इनके सामान्य उद्देश्य क्या हैं, तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि इसका सबसे पहला सामान्य उद्देश्य है कि लाभ हानि की जानकारी मिलती है। वास्तव में जब कोई उद्यमी किसी व्यवसाय को प्रारंभ करता है, तो लाभ या हानि के रूप में उसको सबसे अंत में प्रतिफल प्राप्त होता है। हमने देखा कि जब एक व्यवसायी व्यवसाय प्रारंभ करता है या एक उद्यमी जब कोई व्यवसाय प्रारंभ करता है, तो उत्पादन के बहुत से साधन जो है वो उसके साथ जुड़े होते हैं, जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और स्वयं वो साहसी जिसने व्यापार प्रारंभ किया। तो भूमि, पूंजी, श्रम और संगठन को उनका प्रतिफल देने के बाद जो बचता है वो साहसी का हिस्सा होता है, यानी जो व्यापार का स्वामी होता है उसका हिस्सा होता है, तो वो लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। तो लाभ हुई या हानि हुई, क्या कौन सी दशा में लाभ हो रही है और कब उसको हानि हो रही है, इस तरह का अध्ययन अगर उसको करना है, तो वो अपने लेखांकन को देखेगा, वो अपने लेखों पर एक नज़र डालेगा जिसमें वो स्पष्ट रूप से उसको पता चल जाएगा कि व्यापार में लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। दूसरा इसके सामान्य उद्देश्य की बात करें, तो हम देखते हैं कि अंतिम स्कंध का यहाँ पर मूल्यांकन
जो लेखांकन होता है उसी के माध्यम से किया जा सकता है। अंतिम स्कंद वास्तव में क्या होता है कि एक व्यापारी जो है वो अपना जो कार्य होता है, जो उसके लेखांकन होते हैं, वो 1 अप्रैल से प्रारंभ करता है और 31 मार्च को वो समाप्त कर देता है। इस बीच में वो माल का उत्पादन करता है, बहुत से माल को बेचता है और साल भर बेचने के बाद जो 31 मार्च को उसके पास बना हुआ माल बचा रह जाता है उसे कहते हैं स्टॉक। अब क्योंकि फाइनली हम 31 मार्च को उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसलिए उसको हम फाइनल स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक या अंतिम स्कंद कहते हैं। तो अंतिम स्कंद की जानकारी हमें तब पता चलती है जब हम ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आधार पर बैलेंस शीट का निर्माण करते हैं, तो उस दौरान हमें पता चलता है कि वास्तव में स्टॉक की स्थिति, क्लोजिंग स्टॉक की स्थिति व्यापार में क्या है। तीसरा इसका जो सामान्य उद्देश्य है वो है लेनदार एवं देनदार की जानकारी। हम देखते हैं कि व्यापार में ज़रूरी नहीं है कि जैसे ही हम क्रय विक्रय करें वैसे ही तुरंत हमको पैसे प्राप्त हो जाएं। कई बार हम उधार क्रय विक्रय भी करते हैं, तो ऐसी दशा में हमारे कई लेनदार और देनदारों का निर्माण होता है। जिन लोगों से हमने माल क्रय किया है हमको उनको धनराशि देनी है भविष्य में, यानी वो जो है वो हमारे लिए देनदार हुए। यहाँ पर हमारे बहुत से नए देनदार और लेनदार बनते हैं, तो इन देनदार और लेनदार की जानकारी हमको बैलेंस शीट यानी कि अंतिम चिट्ठी के द्वारा ही प्राप्त होती है। इसी तरह एक उद्देश्य हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि यहाँ हम जो है बुक या कैश बैलेंस की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी व्यवसाय के लिए एक महत्वपूर्ण बात ये भी होती है कि उसको हमेशा पता रहना चाहिए कि उसके व्यापार में बैंक बैलेंस की और उसके पास कैश बैलेंस की क्या स्थिति है, क्योंकि इन्हीं आंकड़ों के आधार पर फिर वो अपने भविष्य की योजनाएँ बनाता है। तो बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस की जानकारी तभी हो पाती है जब वो बैलेंस शीट बनाता है यानी कि अंतिम खाते बनाता है, और अंतिम खाते का निर्माण इन्हीं लेखा कर्म के अंतर्गत किया जाता है। साथ ही यहाँ पर संपत्ति और दायित्व के बारे में भी पता लगाया जा सकता है, क्योंकि सामान्य व्यवसाय व्यवहार में जो संपत्ति और दायित्व होते हैं वो वैसे के वैसे नहीं रहते, कई बार संपत्तियों का मूल्य बढ़ता या घटता है। ठीक इसी तरह दायित्व का मूल्य भी बढ़ता है या घटता है। तो वास्तव में वर्ष के अंत में या 31 मार्च को हम ये देखते हैं कि जिस दिन हम अकाउंट क्लोज कर रहे हैं उस दिन हमारे व्यवसाय में संपत्ति की क्या स्थिति है, कितना उसमें डेप्रिसिएशन लगा, कितने की संपत्ति बची है और कौन कौन सी हमने नई संपत्तियां क्रय की। साथ ही हम दायित्वों का मूल्यांकन भी करते हैं कि कौन कौन से दायित्व हमारे पास व्यवसाय में अभी बचे हुए हैं। तो इन सब की जानकारी हमें फाइनल अकाउंट्स के माध्यम से पता चलती है, और फाइनल अकाउंट्स के जो लेखे होते हैं उनको हम लेखांकन के अंतर्गत ही करते हैं। अगला जो इसका समान उद्देश्य है वो है त्रुटियों का पता लगाना। जब हमारी बैलेंस शीट टैली नहीं हो पाती है तो हमें ये पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। हो सकता है कि हमने जनरल एंट्री सही पास की हो लेकिन लेजर में कहीं गलती हुई हो, और उसकी पोस्टिंग करते करते जब हम ट्रायल बैलेंस से होते हुए ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहुँचे तो वहाँ तक लगातार वो गलती होती गई, और यही कारण है कि बैलेंस शीट टैली नहीं हो पा रही है। तो क्या गलती है, कहाँ पर हुई है, ये इन सब का पता हम तभी लगाते हैं जब हम लेखा कर्म के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के लेखों का निर्माण करना शुरू करते हैं। वैसे ही एक सामान्य उद्देश्य यहाँ पर यह भी है कि कर दायित्वों का हमको ज्ञान होता है। लाभ और हानि की स्थिति, पूंजी और संपत्ति दायित्वों की स्थिति जब पता चल जाती है तो उसके आधार पर प्रत्येक व्यवसायी स्वयं यह अनुमान लगा लेता है कि वास्तव में उसकी कर देयता क्या है, यानी कि उसको कितना टैक्स सरकार को देना है। ठीक इसी तरह व्यवसाय के जो आर्थिक स्थिति होती है उसका पता भी इन्हीं लेखांकन के माध्यम से लगाया जा सकता है। अब अगर हम बात करें लेखांकन के महत्व की, या हम इसे लेखांकन के लाभ या हम इसे लेखांकन की उपयोगिता भी कह सकते हैं, तो इन्हें हम कई भागों में बांटकर अलग अलग दृष्टिकोण से इसका अध्ययन करेंगे। अगर हम लेखांकन के महत्व का अध्ययन व्यापारियों के दृष्टिकोण से करें तो कुछ अलग बिंदु निकल कर आएंगे। अगर हम इनका अध्ययन कर्मचारियों के दृष्टिकोण से करें तो कुछ अलग बिंदु निकल आएंगे। उसी तरह हम इन जो लेखांकन के महत्व हैं उनका अध्ययन हम विनियोजकों के आधार पर, उपभोक्ताओं के आधार पर
और सरकार के आधार पर अलग अलग दृष्टिकोण से हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि व्यापारियों के दृष्टिकोण से लेखांकन में लेखांकन का क्या महत्व है। व्यापारियों के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इनको लेखांकन से व्यापार का पूर्ण ज्ञान होता है, यानी कि संपत्ति और दायित्व का बैलेंस करके ये जान लेते हैं कि व्यवसाय में उनकी पूंजी की क्या स्थिति है। दूसरा, यहाँ पर अदालती कार्यवाही में प्रमाण के लिए होता है। जैसे हमने अभी इसी अध्याय में पढ़ा कि कई बार न्यायालय किसी कारणवश हो सकता है आपसे आपके जो अकाउंट से आपके जो लेखे हैं उनकी जानकारी प्राप्त करना चाहे, तो ऐसी स्थिति में हम इन्हीं लेखों का प्रयोग न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के रूप में हम कर सकते हैं। तीसरी, इसका जो उद्देश्य है वो है तुलनात्मक अध्ययन। हर व्यवसायी चाहता है कि उसको व्यवसाय में साल दर साल प्रगति हो, और प्रगति हो रही है या नहीं हो रही है इसके लिए वो अपने बैलेंस शीट को, जो करंट ईयर के बैलेंस शीट है उसको प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट से, या अपने जो प्रॉफिट एंड लॉस के उसके जो अकाउंट्स हैं उनको गत वर्ष के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से टैली करता है, तुलनात्मक अध्ययन करता है, उनसे वो कंपैरिजन करता है, कंपेयर करके देखता है, तुलना करके देखता है कि पिछले साल से इस साल की स्थिति में क्या फ़र्क आया है। तो ये वही खाते होते हैं जिनके आधार पर हम तुलना करते हैं और देखते हैं कि व्यवसाय में प्रगति हुई है या नहीं हुई है। वैसे ही नेक्स्ट जो इसका लाभ है व्यापारियों का, वो हम कह सकते हैं कि भावी नियोजन। अब क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पर कर लिया जाता है, तो उन्हीं अध्ययनों के आधार पर फिर योजनाओं का निर्माण किया जाता है। वैसे ही व्यापारियों के एक लाभ यहाँ पर ये भी है कि इनके आधार पर वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण किया जाता है। जब व्यवसायी ये देख लेता है कि व्यवसाय में उससे लाभ हो रही है, हानि हो रही है, उसके द्वारा बनाई गई वस्तु की डिमांड मार्केट में है या नहीं है, या कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, तो उसके आधार पर फिर वो अपने वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण करता है। वैसे ही एक विशेषता, एक महत्व ये भी देखने को मिलता है कि व्यवसाय के समापन पर ये जो लेखे होते हैं ये लाभदायक होते हैं। कोई भी व्यवसाय जब समाप्त होता है तो वहाँ पर अगर पार्टनरशिप फर्म है तो साझेदारों में बंटवारा होगा, एकांकी व्यापार है तो भी वो देखेगा कि उसको कितना लाभ या हानि हुई, अगर कंपनी व्यवसाय है तो उसमें जो शेयर होल्डर होंगे उनका अंत में क्या हित बनता है ये देखना है। तो ये सारी चीज़ें तभी पता चल पाएंगी जब लेखांकन के अंतर्गत हम प्रॉपर वे में जो भी हमारे लेखे हैं उनको हम बनाकर उनका निर्माण करके रखे हों। व्यापारियों की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यहाँ पर व्यापारिक विश्लेषण करना आसान हो जाता है अगर ये लेखे बने हुए हैं। तो जैसे हमने जाना कि तुलनात्मक अध्ययन करके व्यवसाय की स्थिति का पता लगाया जा सकता है, बिल्कुल ऐसे ही किसी भी प्रकार की अगर कोई कठिनाई आती है या व्यवसाय में कुछ उतार चढ़ाव आता है तो एक विश्लेषणात्मक अध्ययन की ज़रूरत पड़ती है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कारण है, क्यों इतने चेंजेस आ रहे हैं, तो यहाँ पर एक विश्लेषणात्मक अध्ययन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो विश्लेषणात्मक अध्ययन होते हैं वो इन्हीं अकाउंट्स के आधार पर, इन्हीं लेखों के आधार पर किए जाते हैं। अब ये तो थी व्यापारियों के लिए महत्व की बात। अब अगर हम बात करें कि कर्मचारियों को क्या लाभ है, क्यों कर्मचारियों को भी लगता है कि इस तरह के लेखे बनाए जाने चाहिए। कर्मचारी जो व्यवसाय में कार्य करता है उसका उद्देश्य होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कार्य कर सके और बदले में प्रतिफल प्राप्त कर सके, यानी पारिश्रमिक प्राप्त कर सके। लेकिन पारिश्रमिक में जो वृद्धि या इंक्रीमेंट किया जाता है वो डिपेंड करता है कि फर्म की स्थिति कैसी है, उस उद्योग के जिसमें वो नियोजित है, जिसमें वो कार्य कर रहा है उसकी स्थिति कैसी है। अगर वो लगातार उन्नति कर रहा है, उसका लाभ बढ़ रहा है, तो कोई भी कर्मचारी अपेक्षा करता है कि उसके वेतन में वृद्धि होनी चाहिए या ये जो लाभ है उसको बोनस के रूप में भी मिलना चाहिए। तो कैसे पता लगे कि व्यवसाय में वृद्धि हो रही है, व्यवसाय की आय में वृद्धि हो रही है, लाभ हो रहा है, इन्हीं लेखों का विश्लेषण करके कोई कर्मचारी भी आसानी से पता लगा सकता है कि व्यवसाय में वृद्धि हो रही है, उसके लाभ में वृद्धि हो रही है या नहीं। तो कर्मचारियों के दृष्टिकोण से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही यहाँ पर विनियोजकों को लाभ भी होता है पुस्तपालन या लेखा कर्म का निर्माण करने से। कौन कौन से लाभ होते हैं विनियोजकों को, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई विनियोजक इन्वेस्टर फर्म में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी आर्थिक स्थिति की जानकारी चाहेगा,
कोई भी इन्वेस्टर जो होता है वो किसी डूबते हुए फर्म को ऋण नहीं देना चाहता या फिर वहाँ पर वो अपने पैसे नहीं लगाना चाहता। ऐसे फर्म में ही विनियोजक पैसा लगाना चाहता है जिसका ग्राफ ऊपर उठ रहा हो, यानी जो लगातार लाभ प्राप्ति की ओर बढ़ रहा हो। तो ये कैसे पता चलेगा कि व्यापार की जो स्थिति है वो सुदृढ़ है, वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, पैसा लगाना चाहिए, इन्हीं सब लेखों के द्वारा पता चलेगा। तो ये एक विनियोजकों के लिए महत्वपूर्ण बात है कि इन लेखों के आधार पर वो उस व्यापार में पैसा लगाएं कि नहीं लगाएं, ये पता चल जाता है। साथ ही एक बात यहाँ पर यह आती है कि कई बार इन्वेस्टर्स ने जो पैसे लगाए हैं, जो पैसे वहाँ पर विनियोजित किए हैं, उस पर उनको जो लाभ का हिस्सा मिलना चाहिए उस विषय पर अगर कोई मतभेद हो जाए तो इन सभी लेखों के आधार पर ही उन मतभेदों को सुलझाया जा सकता है। इसी तरह सरकार को भी लाभ होता है। कौन कौन से लाभ हो सकते हैं सरकार को? सबसे पहले तो करारोपण में सहायक सरकार के लिए आय का महत्वपूर्ण स्रोत है, राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कर, और कर लगाया जाता है इन्हीं सब लेखों के आधार पर, जो निकल कर आता है लाभ उसके आधार पर कर लगाया जाता है। तो किस तरह के व्यवसाय में कितना कर लगाया जाए इन सब का ब्यौरा प्राप्त करने के लिए भी इस तरह के लेखों का निर्माण करना जरूरी होता है। ठीक इसी प्रकार वित्तीय सहायता देने के लिए कई बार बहुत से फर्म, बहुत से उद्योग ऐसे होते हैं जिनको सरकार से सहायता प्राप्त करनी होती है, या बहुत से उद्योग ऐसे होते हैं जिनको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार स्वयं सहायता प्रदान करना चाहती है। यहाँ पर जो व्यवसाय है उसकी वास्तविक स्थिति को जान लेना सरकार के लिए भी जरूरी होता है। तो कैसे वो वास्तविक आर्थिक स्थिति को जान पाए, इसके लिए भी जो ये लेखे होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही जो व्यवसायिक नीतियाँ होती हैं, व्यापार की जो बहुत सारी नीतियाँ निर्धारित की जाती है, जैसे लाइसेंसिंग के लिए, करारोपण के लिए, या आयात निर्यात के लिए, ऐसे बहुत सारी जो नीतियाँ सरकार के द्वारा बनाई जाती है, उनको भी निर्माण करने से पहले विभिन्न व्यवसायिक व्यवहारों के इस तरह के लेखों का एक समुचित विश्लेषण करना कहीं ना कहीं जरूरी होता है। इसी तरह से उपभोक्ताओं को भी काफ़ी लाभ होता है। जब उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग करता है तो वो चाहता है कि वो जो वस्तु है वो उसे एक निश्चित या समुचित कीमत पर मिले, जो उत्पादक है वो बहुत ज़्यादा लाभ उस पर ना कमाए, यानी कहना चाहिए कि रिजनेबल रेट में उस वस्तु को वो प्राप्त कर पाए और उसका उपभोग कर पाए। तो क्या इसमें डिफरेंस आ रहा है? ऐसा तो नहीं कि उत्पादक बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त कर रहा है उत्पादक उपभोक्ताओं तक उसको पहुँचाने में? तो इन सब चीज़ों में यहाँ पर जो मतभेद उत्पन्न होते हैं वहाँ, इसके लिए भी जो अंतिम लेखे होते हैं और जो लेखांकन के अंतर्गत जो लेखे किए जाते हैं वो सभी सहायक होते हैं। अब इन लेखांकन सिद्धांतों के काफ़ी महत्व तो है प्रत्येक वर्ग के लिए, लेकिन कुछ सावधानियों का पालन यहाँ करना पड़ता है। अगर इन सावधानियों का पालन ना किया जाए तो कहीं ना कहीं ये सिद्धांत महत्वहीन हो जाते हैं। आइए देखते हैं किन किन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए इनका पालन किया जाना चाहिए। तो सबसे पहली बात यहाँ ये आती है कि व्यापार का स्वभाव के अनुसार इन लेखांकन सिद्धांतों को अपनाया जाना चाहिए। व्यापार का स्वभाव क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, एकांकी व्यापार है, साझेदारी व्यवसाय है, या कंपनी व्यवसाय है, किस तरह का व्यवसाय है, उसके अकॉर्डिंग ही ये जो लेखांकन के सिद्धांत है वो अपनाए जाने चाहिए। दूसरी एक सावधानी हमको ये रखनी चाहिए कि व्यापारी व्यापार की जो कार्यक्षमता है उसके अनुसार इन सिद्धांतों को अपनाया जाना चाहिए। तीसरी जो सावधानी की बात आती है वो आती है कि बही खाते में जो हम लेखांकन करते हैं वो त्रुटिहीन होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि उसको देखने वाला बहुत आसानी से समझ सके। अब जिस तरह इन लेखांकन सिद्धांतों के अपने कुछ महत्व हैं उसी तरह इन सिद्धांतों के कुछ दोष भी हैं, कुछ सीमाएं भी हैं। आइए देखते हैं इन लेखांकन सिद्धांतों के कौन कौन से दोष और कौन कौन से सीमाएं हैं। यहाँ सबसे पहली बात यह आती है कि व्यवसाय संबंधी सभी सूचनाएं प्राप्त करना कहीं ना कहीं असंभव सा लगता है, यानी कि जब व्यवसायी इस व्यवसाय में लेखे करता है तो अपने निजी हित या निजी स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए कुछ लेखों को, कुछ जरूरी सूचनाओं को गायब कर देता है। ऐसी दशा में व्यवसाय की सही स्थिति की जानकारी इन लेखों से प्राप्त कर पाना कहीं ना कहीं असंभव होता है।
दूसरी एक बात यहाँ ये देखने को मिलती है कि छल कपट की संभावना भी बनी रहती है, यानी व्यवसाय में या तो अंशधारियों से, किसी साझेदार से, कंपनी के शेयर होल्डर से कई बार छल कपट करने के कारण, कंपनी के लाभ को कम दिखाने के कारण, ताकि लाभांश वितरण को कम किया जा सके, कई तरह के हेर फेर और छल कपट की संभावना भी यहाँ बनी रहती है। तीसरी इसकी जो दोष है, इसकी सीमाएं हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि जो आंकड़े होते हैं वो कई बार भ्रामक होते हैं। कई बार इन आंकड़ों के आधार पर व्यवसायिक आर्थिक स्थिति का सही सही पता लगा पाना थोड़ा कठिन होता है। इसी तरह हम इसके दोष की बात करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लेखांकन की जो प्रथाएं हैं, किस प्रथा का पालन किया जाए, जैसे इसके हम पहले हमने पढ़ा कि बहुत सारी लेखांकन की प्रथाएं होती है, बहुत सारे सिद्धांतों का चलन होता है, तो किन सिद्धांतों को अपनाया जाए, किन प्रथाओं का पालन किया जाए, ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी डाउटफुल स्थिति यहाँ पर बनी रहती है। ठीक इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पर हम संख्यात्मक तथ्यों का उल्लेख करते हैं, कितना लाभ हुआ है, कितनी हानि हुई है, इसका उल्लेख हम संख्यात्मक रूप में करते हैं, लेकिन फिर भी गुणात्मक तथ्यों का जो है अभाव है यहाँ बना रहता है। व्यवसायों की कार्यक्षमता, कर्मचारियों की कार्यक्षमता, कार्यकुशलता, इस तरह के जो गुण रहते हैं उनका अभाव यहाँ पर बना रहता है। तो ये तो थी व्यवसाय में लेखांकन के दोष या सीमाओं की बात।